की कांकेर से निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें चुनाव पर ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन से यहां पर नजर रखी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जिले के 727 मतदान केंद्रों में 285 मतदान केंद्र हैं संवेदनशील। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कांकेर में, जहां चुनाव पर ड्रोन कैमरे से यहां पर नजर रखी जाएगी, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन से यहां पर नजर रखी जानी है, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। जिले में 727 मतदान केंद्रों में 285 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील है। तो आपको बड़ी खबर कांकेर से बता रहे हैं, जहां संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन से यहां पर नजर रखी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए यह कोशिश की जा रही है। और पूरे कांकेर जिले में 727 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 285 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कांकेर से, क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है पूरे बस्तर संभाग में, और कांकेर भी बस्तर संभाग में आता है, जहां 7 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव होना है। और अब यहां पर जो मतदान केंद्र है वहां पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी, क्योंकि संवेदनशील मतदान केंद्र है जो कि अति दूर इलाके हैं, वनांचल क्षेत्र हैं और वनों के अंदर है, ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन से पुलिस पूरी तरीके से यहां पर नजर रखेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए। जी प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब चुनाव जहां पर होने हैं वहां पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी, संवेदनशील मतदान केंद्र पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी, क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर, क्योंकि अब कुछ ही दिन मतदान को बचे हुए हैं, और क्या कुछ यहां पर तैयारियां की गई हैं और ड्रोन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए महिमा, आप जो पहले चरण का मतदान है वो 7 नवंबर को होना है, और 7 नवंबर को जो मतदान होना है उसको लेकर के जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली है, पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। मतदान जो दल है वो आज से रवाना हो जाएंगे, जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो आज शाम से थम जाएंगे। तो जो ये मतदान तो इस बार जिस तरीके से निगरानी बनाने के लिए पहला प्रयास किया गया जिला में, कि जहां पर जो जिले के लगभग 727 मतदान केंद्र है उसमें से 285 जो मतदान केंद्र है संवेदनशील है। हमने देखा है महिमा की कल ही जो नक्सली लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बल को जवान है और जो किसी प्रकार की गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ये तैयारियां की हैं कि अगासे जो ड्रोन है उसके माध्यम से पूरे मतदान केंद्रों पर निगाह रखी जाएगी। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई घटना नजर आती, तत्काल जो पुलिस बल है वो मौके पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार जिस तरह से जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने ये पहल किया है, ये काफी सराहनीय पहल है, और इससे निश्चित ही ये है कि जो मतदान है वो सुचारू रूप से संचालन हो सकेंगे। महिमा जी प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।